डेप्रिशिएशन चैप्टर नंबर 6। देखिए बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती है टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज करती है, राइट। वैल्यू लूज करती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, पुरानी होती जा रही है। वैल्यू लूज करती है यूज होने की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर। वैल्यू लूज करती है आउटडेटेड होने की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, राइट। तो बेसिकली जो भी हम एसेट परचेज करते हैं उसकी वैल्यू हमें एलोकेट करनी होती है। मान के चलते हैं हम लोग कोई एसेट परचेज करते हैं 1 लाख रुपीज की, और हमें लगता है कि इसकी लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद यही एसेट लेट से 10,000 रुपीज की सोल्ड होएगी, मार्केट के अंदर सेल होएगी, राइट, आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये तो कॉस्ट हो गई बिजनेस के लिए, 1 लाख रुपीज अभी जो बिजनेस को खर्च करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन 5 साल के बाद हमें स्लेवेज वैल्यू कह लीजिए, रेजिडुअल वैल्यू कह लीजिए, या फिर आप स्क्रैप कह लीजिए, कितने रुपए में जाएगी एसेट, 10,000 रुपए में। तो एक्चुअल कॉस्ट बिजनेस को क्या पड़ेगी, 90,000। और ये 90,000 जो बिजनेस को कॉस्ट पड़ रही है इस मशीन की, इस एसेट की, वो बेसिकली कितने साल में अप्रोप्रिएट करनी चाहिए या कितने साल में एलोकेट करनी चाहिए, 5 ईयर्स के अंदर। जब हमने ये एसेट परचेज करी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहां पर 1 लाख रुपए खर्च किए बिजनेस ने, तो क्या ये 1 लाख रुपए हम एक्सपेंस दिखा दे इसी साल? द आंसर इज नो, क्योंकि हम इस एसेट का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर ले रहे हैं। कितने साल, हमारे अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट है कि 5 साल ये एसेट चलेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी अमाउंट एलोकेट करेंगे 5 ईयर्स में, राइट। तो मान के चलते हैं कि 5 के 5 साल ये एसेट इक्वली यूजफुल रहेगी, मान के चल रहे हैं कि इक्वली यूजफुल रहेगी। तो हम बेसिकली जो कॉस्ट पड़ी है बिजनेस को 90,000 की, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट प्रॉपरली एलोकेट करेंगे 5 ईयर्स में, राइट। मान के चलिए अमाउंट कितना आ रहा है, 18,000। तो 18,000 फर्स्ट ईयर हम लोग शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 18,000 नेक्स्ट ईयर हम लोग शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम क्या शो कर रहे हैं कि जी हमारी 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी उसमें से 10,000 रुपए तो हमें रिकवर हो जाएंगे, लेकिन 90,000 रुपए अभी भी कॉस्ट है बिजनेस के ऊपर। लेकिन बिजनेस उस एक्सपेंस को, उस कॉस्ट को 5 ईयर्स तक एंजॉय करने वाला है, और हम मान के चल रहे हैं कि बिजनेस इक्वली एंजॉय करने वाला है, तो इक्वली ही कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ना 5 ईयर्स में, राइट। तो हम हर साल 18,000 रुपीज का लॉस शो कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेसिकली एक्सपेंस शो कर रहे हैं। अगर हम जब एसेट परचेज करते हैं उसी साल सारा अमाउंट शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस साल तो हमें बड़ा हैवी लॉस हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली जो ये हम अमाउंट शो कर रहे हैं, जो अमाउंट हमने एलोकेट किया है, वो है क्या, दिस इज डेप्रिशिएशन, राइट। तो बेसिकली डेप्रिशिएशन है क्या, कहता है जी ICAI के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएशन इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट, कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट। मतलब जिस एसेट की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो सकती है, तो कितनी कम हो रही है हर साल, उसे फाइंड आउट करने का एक तरीका क्या है, डेप्रिशिएशन। किस वजह से कम हो सकती है, कहता है अराइजिंग फ्रॉम यूज, यूज करने की वजह से एसेट पुरानी हो गई है, नॉर्मल वियर एंड टियर, तो उस वजह से वैल्यू कम हो गई। इफ्लक्शन ऑफ टाइम, कि जी पैसेज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ एसेट पुरानी हो ही जाती है, या फिर ऑब्सोलेसेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस, राइट। तो इन्होंने 3 रीजन बताए कि जी यूज कर रहे हो एसेट तो पुरानी हो रही है, टाइम के साथ साथ पुरानी हो रही है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, राइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। और उन्होंने कहा कि जी जैसे जैसे आउटडेटेड हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है,
मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट में न्यू न्यू एसेट्स आ रही है, न्यू न्यू मशीन्स आ रही है, तो इस वजह से पुरानी मशीन्स की वैल्यू कम हो जाती है, राइट? ऑब्सोलेसेंस, राइट? तो बेसिकली डेप्रिशिएशन इज एलोकेटेड एलोकेटेड सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट. और हमारे एग्जाम्पल में डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या था? कहता है जी टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 90,000. कॉस्ट कितनी थी बिजनेस के लिए? कहता है जी वैसे तो बिजनेस ने 1,00,000 रुपए खर्च किए थे मशीन अक्वायर करने में, लेकिन बिजनेस को 10,000 रुपीज तो रिकवर हो जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि वही मशीन स्क्रैप के फॉर्म में बिकेगी, राइट, 10,000 रुपए की. तो एक्चुअल में हमारे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है? 90,000. और इस डेप्रिशिएबल वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? एलोकेट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, राइट? तो क्या कह रहा है? डेप्रिशिएशन इज एलोटेड एलोकेटेड सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. जब हमने ये मशीन परचेज की थी तो हमें एग्जैक्टली थोड़ी ना पता था कि 5 साल चलने वाली है. हमने तो एक एस्टिमेट लिया था कि लगभग 5 साल तक मशीन चलेगी, राइट? हाँ जी. डेप्रिशिएशन इंक्लूड्स एमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड. बेसिकली हम लोग डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करते हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए. एसेट्स दो तरह की हो सकती है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल. तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? कहता है जी टेंजिबल एसेट्स का मतलब जैसे कि आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फील, विच कैन बी सीन, राइट, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं. और इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? जो टेंजिबल नहीं है, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, फील नहीं किया जा सकता या टच नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसेस. तो जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स. गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स, राइट? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट की, तो उसकी वैल्यू जब डेप्रिशिएट करते हैं तो हम कहते हैं जी एमोर्टाइजेशन. लेकिन जब हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की और उनकी वैल्यू जब डेप्रिशिएट करते हैं तो हम कहते हैं डेप्रिशिएशन, राइट? अब मान के चलिए कि टेलीकॉम का बिजनेस है और गवर्नमेंट से 5 ईयर्स के लिए लाइसेंस लिया टेलीकॉम के बिजनेस में, राइट? लेट से 1,00,000 रुपीज का लाइसेंस था, मतलब 5 साल तक हम बिजनेस कर सकते हैं. उसके बाद भी अगर हमें बिजनेस कंटिन्यू करना है तो हमें लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा. तो बेसिकली हर साल क्या कॉस्ट बैठ रही है हमारे बिजनेस की? कहता है जी 20,000 रुपीज. लाइसेंस एक्सपायर होता जाएगा, पहले साल लाइसेंस एक्सपायर कितना हो गया? कहता है 1/5. तो बेसिकली जो भी हमने खर्च किया उसका 1/5 पहले साल की क्या हो गई? कॉस्ट. दिस इज 20,000. तो 20,000 भी हम क्या शो करेंगे? खर्चा हो गया जी हमारा, राइट? बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? अमोर्टाइजेशन. लेकिन जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं डेप्रिशिएशन. या मैं कहूं कि जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू एलोकेट कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? डेप्रिशिएशन. और जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू एलोकेट कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? एमोर्टाइजेशन, राइट? तो बेसिकली एमोर्टाइजेशन इज ऑल्सो डेप्रिशिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स. तो इन्होंने लिखा इंक्लूड्स एमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स हूज यूजफुल वैल्यू इज प्री डिटरमाइंड, राइट? तो अब दोबारा से ICAI ने क्या डेफिनेशन दी? कहता है जी डेप्रिशिएशन और कुछ नहीं है बल्कि वो तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ये मेजर करते हैं कि जी एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई है. किस वजह से? कहता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू कंजम्पशन, या फिर हमने कहा जी आउटडेटेड हो गई है एसेट, राइट? ऑब्सोलेसेंस, राइट? हाँ जी. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? डेफिनेशन तो बेसिकली सेम ही पानी है. अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट एंड अदर बेसिक वैल्यू ऑफ टेंजिबल कैपिटल एसेट लेस स्लेवेज. तो हमने यहाँ पर जो 10,000 रुपीज लेस करी थी वो क्या थी? स्लेवेज, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, कुछ भी बोल लीजिए, राइट? हाँ जी. इफ एनी ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द यूनिट, मतलब एसेट,
in a systematic and rational manner. It is a process of allocation and not of valuation. Right? So clear cut kaha ke depreciation is the process of allocation of cost over the useful estimated life of the asset. ठीक है जी. जनरली हम लोग क्या याद रखने वाले एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ रैशनल एंड सिस्टमैटिक मैनर. राइट? अगर इनटेंजिबल एसेट है तो उस केस में हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एमोर्टाइजेशन. हाँ जी, द प्राइम पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट एलोकेशन. इट इज एस्टिमेटेड. हमें क्या पता एक्चुअल में फ्यूचर में मशीन या एसेट कितनी चलने वाली है, कितनी नहीं चलने वाली. हम तो सिर्फ एक एस्टिमेट के बेसिस पर बताते हैं कि लाइफ ये है. राइट? और उसी बेसिस पर हम उस एसेट की कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं. तो इट इज एस्टिमेटेड, नॉट एग्जैक्ट. लॉस्ट वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूजेज, मतलब वियर एंड टियर, और चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब ऑब्सोलेसेंस. राइट? इसका क्या मतलब है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, और मैं कहूं आउटडेटेड होने की वजह से, तो ऑब्सोलेसेंस. आ जाइए जी. इट मस्ट बी, इट इज मस्ट. मस्ट का मतलब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना तो जरूरी है. अब देखिए, सिंपल सी बात है, मान के चलिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 10 लाख रुपीस के एसेट्स, जब बिजनेस स्टार्ट किया तभी एक्वायर कर लिए मैंने. राइट? और मुझे पता है कि ये एसेट्स मैक्सिमम 3 इयर्स चल सकते हैं और लास्ट में मुझे क्या मिलने वाला है इन एसेट्स को बेचकर आफ्टर 3 ईयर. मुझे पता है जी स्क्रैप में जाने वाले हैं और स्क्रैप वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1 लाख. तो 1 लाख मैं यहां से माइनस कर दूं तो अल्टीमेटली इन एसेट की कॉस्ट क्या है बिजनेस के लिए, डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या है? 9 लाख. राइट? अब देखिए, मैंने 10 लाख रुपए लगाकर काम शुरू किया, फर्स्ट ईयर में मुझे 5 लाख रुपीज की इनकम हुई, 5 लाख रुपए मुझे बच गए सारे खर्चे काट कर. राइट? पहले साल. फिर सेकंड ईयर में भी मुझे 5 लाख रुपए की इनकम हुई और थर्ड ईयर में मुझे लेट से 3 लाख रुपीस की इनकम हुई. राइट? और 3 साल के बाद, मतलब ये 5 लाख रुपीस में से मैंने यूटिलाइज कितना कर लिया? 2 लाख रुपीस. इन 5 लाख रुपीस में से भी यूटिलाइज कितना कर लिया? 2 लाख रुपीस. 3 लाख में से भी मैंने यूटिलाइज कर लिया 2 लाख रुपीस. जब इनकम करूंगा तो खर्च भी करूंगा अपने ऊपर, पर्सनल पर्पस के लिए. राइट? तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितने रुपये रह गए 3 साल के बाद? 7 लाख. क्यों? क्योंकि टोटल मिलाकर इनकम कितनी जनरेट हुई थी? 13 लाख. और मैंने यूज कितना कर लिया? 6 लाख. हर साल 2 लाख, तो मेरे पास रह कितना गया? 7 लाख. राइट? और थर्ड ईयर के एंड में मेरी एसेट्स वेस्ट हो गई, पुरानी हो गई, यूजलेस हो गई, जिन्हें मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज में. राइट? तो टोटल मिलाकर मेरे हाथ में कितना आया? 1 लाख रुपये. मतलब 7 लाख रुपीज तो जो मैंने सेव किया था और 1 लाख रुपीज जो मुझे स्क्रैप के नाम का मिला, टोटल मिला के मेरे हाथ में कितना पैसा है? 8 लाख रुपीज. जबकि न्यू एसेट्स परचेज करने के लिए 10 लाख रुपीज चाहिए, दोबारा से उन एसेट्स को परचेज करने के लिए 10 लाख रुपीज चाहिए. राइट? इसका मतलब मैं एक्चुअल में 2 लाख रुपीज क्या हो गया? शॉर्ट. क्यों? क्योंकि उस वक्त मैंने दिमाग में ये बात तो सोची ही नहीं कि मेरी एक्चुअल इनकम 5 लाख रुपए नहीं है. मान लिया मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं लेकिन इसमें से 3 लाख रुपए की एसेट डेप्रिशिएट हो गई, तो एक्चुअल इनकम मेरी कितनी है?
2 लाख। इसी तरह यहां पर भी सेकंड ईयर में भी एक्चुअल इनकम कितनी है 2 लाख, थर्ड ईयर में भी एक्चुअल इनकम कितनी है। तो एक्चुअली में मैंने कितने रुपए कमाए थे 13 लाख। द आंसर इज नो, मैंने एक्चुअली में कितने रुपए कमाए थे 2 लाख। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2 लाख और लास्ट में 0, तो मतलब मैंने एक्चुअली में कितने रुपए कमाए थे सिर्फ 4 लाख रुपीज। राइट, तो कहता है डेप्रिशिएशन तो मस्ट है, अगर आप उसे कंसीडर करके नहीं चलेंगे तो एट द एंड आपको पता चलेगा यू आर इन लॉस। हाँ जी, डेप्रिशिएशन इज मस्ट, परमानेंट, कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज या रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन स्पाइट ऑफ रेगुलर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। से तो कॉमन सी बात है। हाँ, अगर हम अपने घर पे भी देखते हैं तो चाहे हम किसी भी एसेट की कितनी भी मेंटेनेंस करें घर पर, पुराना तो होता ही है, आउटडेटेड तो होता ही है। राइट, इट प्रोवाइडेड टू शो द रियल वैल्यू ऑफ एसेट। हमारे अकाउंट्स में ये 1 लाख रुपए की एसेट 1 लाख रुपए ही ना खड़ी रहे, बल्कि जब हम फर्स्ट ईयर के अकाउंट बना रहे हैं तो हम शो कर रहे हैं कितने की एसेट परचेज करी 1 लाख की, लेकिन जब सेकंड ईयर के अकाउंट बनाएंगे तो हम शो करेंगे कि 1 लाख में से कितना खर्च हो चुका, कितनी वैल्यू लूज कर चुकी है एसेट। कहता है जी 20,000। तो एक्चुअल में सेकंड ईयर में हम अपनी बुक्स में क्या दिखाने वाले हैं कि हमारी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है सिर्फ 80,000। तो हम ये अमाउंट कहाँ शो करने वाले हैं, किस फॉर्म में, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। राइट, हाँ जी, it is provided to show the real value of assets, real profit and loss for the accounting period and real financial position of the business. It is a process of allocating the cost of fixed asset over the estimated useful life in a rational and systematic manner. इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। दोबारा से रिपीट करूं, दोनों ही पॉइंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई डेप्रिशिएशन के थ्रू एसेट की वैल्यू मेजर नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एलोकेट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ रैशनल, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट इज एन एक्सपेंस एंड इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कहां शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अनचार्ज्ड डेप्रिसिएशन गेट्स एक्युमुलेटेड ईयर आफ्टर ईयर अंटिल रिटर्न ऑफ। तो मान के चलते हैं जी डेप्रिसिएशन कितना था इस केस के अंदर, 3 लाख रुपीज पर ईयर का। इनकम कितनी हुई, कहते हैं सिर्फ 2 लाख रुपीज की। तो इसका मतलब जितनी इनकम हुई उससे ज्यादा तो क्या हो गया, डेप्रिशिएशन। राइट, तो कायदे से बिजनेस माइनस 1 लाख में चला गया। कहता है ये कौन सा डेप्रिशिएशन है जो कि हमने चार्ज नहीं किया, अनचार्ज डेप्रिशिएशन, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रॉफिट ही नहीं था। जितना एसेट डेप्रिशिएट हुआ उतना तो हमने अन भी नहीं किया। राइट, तो कहता है जी ये अनचार्ज डेप्रिशिएशन नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन 3 लाख रुपीज नहीं बल्कि कितना चार्ज किया जाएगा, 4 लाख रुपीज। राइट, तो अनचार्ज डेप्रिशिएशन गेट्स एक्यूमुलेटेड ईयर आफ्टर ईयर अंटिल रिटर्न ऑफ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन इज एसेट अकाउंट। जो भी हमारा डेप्रिशिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है वो कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट, एंड इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहां शो किया जाएगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। राइट, इट इज चार्ज्ड टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट और मार्केट प्राइस। द बुक वैल्यू मे और मे नॉट बी द ओरिजिनल कॉस्ट। हो सकता है हमने कोई एसेट परचेज करी है 1 लाख रुपीज की। राइट, अब देखिए जब 1 लाख रुपीज की एसेट परचेज की है तो बट ऑब्वियस सी बात है बिजनेस कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपीज। पर हो सकता है हम बिजनेस के अंदर कॉस्ट शो कर रहे हैं 80,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। क्यों, क्योंकि 20,000 रुपीज गवर्नमेंट से एसेट परचेज करने के नाम की सब्सिडी मिल गई। गवर्नमेंट ने कहा था कि आप ये मशीन यूज कीजिए प्रोडक्शन के लिए,
तो जितने रुपए की भी मशीन है उसमें 20% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के फॉर्म में देगी। तो हमारी जेब से गए 1 लाख, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपीज, लेकिन 20,000 गवर्नमेंट से मिल गए, तो हम क्या शो करेंगे अपनी बुक्स में इसकी वैल्यू? 80,000। और डेप्रिशिएशन भी कितने अमाउंट पर प्रोवाइड किया जाएगा? 80,000 के अकॉर्डिंग, राइट? हाँ जी, दस डेप्रिशिएशन अमाउंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट? और डेप्रिशिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। जबकि डेप्रिशिएशन जो अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड डेप्रिशिएशन, राइट, या मैं कहूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, एसेट अकाउंट, राइट? हाँ जी, ये थंब रूल है, याद रखना है कि हर साल हम जितना भी डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ शो करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस की तरह, राइट? हर साल चाहे कोई भी मेथड फॉलो करें, जितना भी डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना ही करना है। तो एवरी ईयर वी हैव टू क्लोज द डेप्रिशिएशन अकाउंट, एवरी ईयर वी हैव टू क्लोज द डेप्रिशिएशन अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और हर नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पर क्लोज किया जाता है और अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? हाँ जी, कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर है आपको, फिजिकल वियर एंड टियर रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज, फिजिकल डेट्रोरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एक्सपोजर, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ एसेट की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि एसेट की लाइफ कम होती जा रही है, यूज कम हो जाती है एसेट की, डिप्लीशन, राइट? डिप्लीशन का मतलब कि जितनी यूज करनी चाहिए थी एसेट उसमें से हमने कुछ अमाउंट यूज कर लिया। मान के चलो मैंने एक कोल माइन लिया है, अब कोल माइन या पेट्रोल वेल्स, पेट्रोल के कुएं समुंदर के नीचे, तो उन कुओं की वैल्यू कैसे लगाई जाएंगी, उस उन वेल्स की वैल्यू कैसे लगाई जाएगी? कहता है जी जितना उनमें पेट्रोल पाने की उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन की जाएगी। झने की तो कोई वैल्यू नहीं, कोई समुंदर के नीचे जाके रहने नहीं वाला, वैल्यू किस चीज़ की है? पेट्रोल की, जो कुएं के अंदर है, जो उन वेल्स के अंदर है, राइट? तो उन वेल्स की वैल्यू इस बेसिस पर लगाई जाएगी कि उनमें कितना पेट्रोल पाने की उम्मीद है, राइट? मान के चलो आपको लगता है जो उनमें 100 टन पेट्रोल पाने की उम्मीद है, राइट? 100 लीटर, उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूएशन करी उसकी और आपने कहा जी मैं 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं इस पेट्रोल वेल के, राइट, कुएं के। अब 5,000 रुपये में आपने एक्चुअल में क्या परचेज किया? वो कुआ नहीं परचेज किया, आपने एक्चुअल में क्या परचेज किया? 100 लीटर पेट्रोल, राइट? अब इसमें से 50 लीटर अगर आपने निकाल लिया तो कुएं की वैल्यू कितनी रह गई? 1/2। जब 1/2 आपने यूज कर लिया तो कुएं की वैल्यू कितनी रह गई? 1/2, मतलब कि तो ये क्या कहते हैं, डिप्लीशन, वैल्यू कम हो गई, राइट? एंड ये तो बार बार मैं आपको बता चुका हूं, ऑब्सिलेसेंस मतलब आउटडेटेड, नो लॉन्गर यूज्ड, या आप कह सकते हो चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन कहता है जी टू असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट, टू प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन। अगर हम हर साल डेप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो जहां पर हमें लग रहा था हमारा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है लेकिन रियल प्रॉफिट क्या था? कहता है जी डेप्रिशिएशन डिडक्ट करके कितना प्रॉफिट रह गया था? 2 लाख रुपीज का। लेकिन हम अगर डेप्रिशिएशन डिडक्ट ही नहीं करेंगे प्रॉफिट में से, अपनी इनकम में से, तो कितना डेप्रिशिएशन, मतलब कितनी इनकम शो होगी? 5 लाख रुपीज की, जो कि गलत है, राइट? To present the true financial position, कहता है जी asset में से अगर आप depreciation deduct नहीं करेंगे, asset के account को कम नहीं करेंगे, तो जो asset आपने 10 लाख रुपए की ली थी वो asset हर साल 10 लाख रुपए की ही show होती रहेगी जबकि actual में हर साल उसकी value कम होती जा रही है। तो इसका मतलब अगर आप 10 लाख रुपए ही show करते रहेंगे, original cost ही show करते रहेंगे asset की, तो वो तो गलत है ना, आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर। हाँ जी, टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ
एसेट्स। कहता है जब डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करेंगे 5 लाख रुपीज में से 3 लाख रुपीज प्रोवाइड करेंगे, तभी तो आप एसेट दोबारा से परचेज कर पाएंगे, तभी तो आप प्रोविजन बना के चलेंगे कि हाँ ये 3 लाख रुपए की वैल्यू भी तो कम हो रही है, जो कि 3 साल बाद दोबारा से 10 लाख रुपए की आपको एसेट परचेज करनी है, राइट। टू असर्टेन द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू डिराइव मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट। अब देखिए अगर मैं इनकम 5 लाख रुपए मान के चलता तो टैक्स भी कितने पे देना पड़ता, 5 लाख पर, लेकिन मैं डेप्रिशिएशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं इनकम कितनी शो करूंगा, 2 लाख रुपीज, और टैक्स भी कितने पे देना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख रुपीज पर, राइट। टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स लाइक इन केस ऑफ कंपनी, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते जब तक आप डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं कर लोगे प्रॉफिट में से, राइट। इसी तरह आप मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि जी मैनेजर को कितनी देनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को कितनी देनी है, कहता जी प्रॉफिट में से देनी होती है, जब तक आप डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट आपका फाइनल माना ही नहीं जाएगा, राइट। हाँ जी, पॉइंट्स टू नोट, कैन डेप्रिशिएशन एक्सीड्स बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, द आंसर इज नो। मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कहता जी हमारी बुक्स में हमने अपनी एसेट्स 10 लाख की दिखा रखी है, मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज। कैन वी डेप्रिशिएट फ्लक्चुएटिंग एसेट्स, कहता जी फ्लक्चुएटिंग एसेट्स थोड़ी ना डेप्रिशिएट हो सकती है, डेप्रिशिएशन के केस में हमने क्या पढ़ा है, डेप्रिशिएशन किसके लिए यूज किया जाता है, कहता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, जो एसेट्स फ्लक्चुएट हो रही है जैसे स्टॉक इन ट्रेड आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, हम उसकी डेप्रिशिएशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्लक्चुएट्स, सच फ्लक्चुएशन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएशन, द आंसर इज नो। हम वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं डेप्रिशिएशन में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जी कितने की एसेट परचेज की थी, 10 लाख की, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी रह गई है, कहता है सिर्फ 8 लाख रुपए, तो क्या 2 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन दिखा दूं, द आंसर इज नो। कोई वैल्यूएशन के बेसिस पर डेप्रिशिएशन थोड़ा चार्ज कर रहे हैं, हम किस बेसिस पर डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं कि जी कितनी यूज हो चुकी, यूजेस की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, आउटडेटेड होने की वजह से उसकी कितनी वैल्यू कम हो चुकी, तो हम तो पहले ही अप्रोप्रिएट करके चलते हैं जी 5 साल चलने वाली है, इन 5 सालों में ही वैल्यू अप्रोप्रिएट करनी है, मार्केट में वैल्यू कम हो गई इसकी वजह से डेप्रिशिएट कर देंगे, द आंसर इज नो, राइट। वेयर वेदर फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट अफेक्ट्स डेप्रिशिएशन, द आंसर इज नो। कहता है जी कॉस्ट क्या है, बुक वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए के हिसाब से एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे ना। मान लिया कि मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए रह गई उसकी, मतलब परचेज की हमने और कंपनीज ने रेट गिरा दिए और वही चीज आज की डेट में 8 लाख रुपए की मार्केट में मिल रही है, जबकि 1 महीने पहले सिर्फ कितनी की हमने परचेज की थी, 10 लाख रुपए की। भैया हमने तो 10 लाख रुपए की परचेज की थी ना, हमारी कॉस्ट तो 10 लाख रुपए है ना, तो हम तो 10 लाख रुपए को ही एलोकेट करने वाले हैं, राइट। हाँ जी, Even if the market value of the asset increases, depreciation has to be recorded because of the allocation process, right? तो 10 लाख रुपए की चीज जो परचेज करी अगले ही महीने 12 लाख की हो गई, तब भी depreciation तो हम provide करेंगे ही करेंगे, depreciation is must, right? आप ये नहीं कह सकते जी value increase हो गई तो depreciate करने की क्या जरूरत है, ये तो एक process है जिसको follow करके हम लोग बेसिकली कॉस्ट एलोकेट करते हैं एसेट की ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, राइट। आई होप एमोर्टाइजेशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। एमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग या चार्जिंग कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जनरली इनटेंजिबल एसेट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली एमोर्टाइजेशन और डेप्रिशिएशन हम सिमिलर कह सकते हैं, बस फर्क क्या है, डेप्रिशिएशन हम बात करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जबकि टेंजिबल एसेट्स, जबकि एमोर्टाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। बेसिकली थ्रू एमोर्टाइजेशन अ पोर्शन ऑफ एन एसेट मीन्स इन द बैलेंस शीट शिफ्ट्स टू द इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो लाइसेंस 10 लाख रुपए का हमने एसेट साइड में शो किया हुआ था अपनी बैलेंस शीट की, तो इसमें से अब 1 साल बाद, क्योंकि 5 साल के लिए लाइसेंस लिया 10 लाख का, 1 साल कंप्लीट हो गए तो अब तो 4 साल रह गए, वैल्यू भी कितनी हम कर देंगे, शो कर देंगे,
8 लाख रुपए, राइट। तो जो 2 लाख रुपए है वो अमाउंट हमने कहता है जी एसेट साइड से शिफ्ट कर दी कहां पर, इनकम स्टेटमेंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे हम कहां शो करेंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट।